Now next again another example regarding switch statement. In this examples, read this carefully. Write a program to print total number of days in a given month using switch case statement. इस केस में रन टाइम पर एंटर करना है मंथ, न्यूमेरिक मंथ बिटवीन 1 टू 12. पॉसिबल मंथ वैल्यू क्या होगा इस केस में? वैलिड मंथ वैल्यू इज 1 2 3 अप टू 12. देन जो भी आपने रन टाइम पर नंबर एंटर किया उसके करेस्पोंडिंग डिस्प्ले होना चाहिए नंबर ऑफ मंथ एज सॉरी नंबर टोटल नंबर ऑफ डेज अवेलेबल इन अ गिवन मंथ. सपोज दैट अगर आपने इसके में एंटर किया है वैल्यू एज 1 एट रन टाइम, अगर इनपुट वैल्यू 1 प्रेस किया तो 1 के अकॉर्डिंग डिस्प्ले कराना है. मीन्स 1 के अकॉर्डिंग मंथ आइडेंटिफाई करेंगे जैसे जनवरी, जनवरी के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हुए 31. सेम एज अगर मंथ वैल्यू एंटर किया जाए 2, 2 के अकॉर्डिंग मंथ कौन सा होगा फेबरी, फेबरी के केस में टोटल नंबर ऑफ डेज कितने होंगे मे बी पॉसिबल 28 डेज, मे बी पॉसिबल 29 डेज, लाइक दैट. इस टाइप से डिस्प्ले क्या कराना, नंबर ऑफ डेज अवेलेबल इन अ गिवन मंथ. स्विच के रिस्पेक्ट में मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स मैं प्री रिटर्न फॉर्म में प्रोवाइड करूंगा. मीन्स ऑलरेडी मैंने राइट डाउन कर रखे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग वीडियो टाइम्स और सेशन टाइम्स. जस्ट बिकॉज इस केस में कोई स्पेशल लॉजिक्स नहीं, इजीली समझना पॉसिबल. फर्स्ट वन, इन दैट केस जैसे इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा इस फर्स्ट ऑफ वन ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूं. इस केस में टोटल लॉजिक्स के फर्स्ट वन रिक्वायर्ड वेरिएबल्स. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओनली सिंगल वेरिएबल रिक्वायर्ड हुआ बिकॉज रन टाइम पर इनपुट क्या रिक्वायर्ड है मंथ वैल्यू. मंथ इस केस में डिफाइन करेंगे एज अ वेरिएबल्स. देन सेकेंड स्टेप रीडिंग इनपुट्स, यूजर्स के थ्रू रन टाइम पर कीबोर्ड से एंटर कराएंगे एज अ न्यूमेरिक मंथ. मीन्स प्लस इस केस में मंथ वैल्यू क्या हुआ 1 टू 12 इन अ गिवन रेंज. देन स्विच स्टेटमेंट, स्विच के केस में पैरामीटर और आर्गुमेंट सप्लाई किया जाए वेरिएबल मंथ. देन मंथ के अकॉर्डिंग पॉसिबल केस कितने बनाएंगे इस केस में, देयर मे बी अ 12 केसेस. इसलिए टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं, केस 1, केस 2, केस 3, 4, 5 अप टू केस 12. इसके अलावा अगर कोई भी अदर इनपुट वैल्यू एंटर होता है तो मैसेज डिस्प्ले होगा इस केस में जाए पोर्ट्स इनवैलिड मंथ. इस आप मैसेज चाहे पोर्ट्स के प्लेस पर प्रिंटर फंक्शंस के थ्रू भी डिस्प्ले कराना पॉसिबल होगा. नेक्स्ट थिंग्स, फर्स्ट वन अगर मंथ का वैल्यू केस वन से मैच हो रहा है, मतलब मंथ क्या है जनवरी, जनवरी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ डेज प्रिंट होंगे 31 डेज और 31 डेज. देन ब्रेक, एवरी टाइम किसी भी केस के एग्जीक्यूट होने के जस्ट बाद चांस किसको प्रोवाइड होगा, ब्रेक स्टेटमेंट. सेम है इन दैट वन ऑल्सो, इन सिंगल लाइन में टू स्टेटमेंट प्रोवाइड किए, पोर्ट्स स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट्स. जैसे ब्रेक स्टेटमेंट को चांस प्रोवाइड हुआ कंट्रोल सेंड हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट. इस टाइप से इस प्रोग्राम को टेस्ट करना पॉसिबल है. फॉर एग्जाम्पल्स, फर्स्ट वन जैसे प्रोग्राम का फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है इसके अकॉर्डिंग मेमोरी एलोकेशन परफॉर्म हुआ टू द वेरिएबल मंथ विद इनिशियल वैल्यू एज गार्बेज. अकॉर्डिंग टू स्कैनर फंक्शन सपोज दैट वी आर एंटरिंग वैल्यू ऑफ मंथ एज 4, वैल्यू इज एंटर्ड एज 4, देयरफॉर वैल्यू ऑफ मंथ इज असाइंड एज 4. नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद मंथ के केस में स्विच आर्गुमेंट में सप्लाई हुआ वैल्यू ऑफ मंथ विच इज 4. मंथ का वैल्यू सबसे पहले मैच हुआ केस 1 से, केस 1 मीन्स मंथ का वैल्यू क्या है 4, 4 इज नॉट इक्वल टू 1 मीन्स फॉल्स. देन सेकेंड केस टेस्ट हुआ, सेकेंड के केस में भी मंथ का वैल्यू मैच नहीं हो रहा. देन थर्ड, देन फोर्थ, फोर्थ केस में केस वैल्यू क्या है, लेवल क्या है 4 और मंथ का भी वैल्यू क्या है ऑल्सो 4. मीन्स मैचिंग केस कौन सा फाउंड हो रहा है, केस 4. केस 4 के अकॉर्डिंग मैसेज डिस्प्ले हुआ एज 30 डेज. इसके जस्ट बाद कंट्रोल कांस्टेंट हुआ आउटसाइड बॉडी ऑफ स्विच स्टेटमेंट. इसके बाद क्या एंड ऑफ मेन फंक्शन, दिस वन एंड ऑफ स्विच स्टेटमेंट एंड एंड ऑफ मेन फंक्शंस. इसके बाद कोई भी स्टेटमेंट फाउंड नहीं हो रहा, सिंपली एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगा. अदर पॉसिबल केस, सपोज दैट मंथ वैल्यू एंटर किया जाए 15, 15 के केस में मंथ सभी केस से 1x1 मैच होगा, 15 किसी भी लेवल से मैच नहीं रहा, इस केस में चांस किसको प्रोवाइड होगा, डिफॉल्ट ब्लॉक. देन डिस्प्ले क्या हुआ इस केस में, इनवैलिड मंथ. इस टाइप से डिफरेंट डिफरेंट इनपुट वैल्यूज के लिए टेस्ट करना पॉसिबल.